बतौर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, अब मेरा अगला सवाल है आपसे, आपके अलग अलग विभागों पर, मंत्रालयों पर मैं एक सवाल लेना चाह रही हूं। गंगा जल इतना पावन, इस वक्त प्रदूषण का स्तर नीचे आया है, अगर हम वातावरण को देखें तो उस नजरिए से एयर क्वालिटी जो है प्रदूषण की कमी की वजह से वो भी बेहतर हुआ है। लोग यही पूछेंगे कि कुछ ऐसा करिए मंत्री जी कि आने वाले वक्त में ये बरकरार रहे, कुछ हद तक तो नियंत्रण में रहे। बिल्कुल, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा है कि हमें सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम प्रदूषण हो, क्योंकि जब वाहन सब चलने लगेंगे तब प्रदूषण होगा, वो वैसे रुकता नहीं है, और कोई वाहन नहीं चलाएगा ऐसा भी नहीं होगा, तो वाहन चलाएंगे थोड़ा प्रदूषण होगा, लेकिन अब BS6 आएगा तो BS6 के कारण BS6 का पेट्रोल डीजल भी मिलेगा और BS6 का वाहन भी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 70 से 75% कमी आएगी। तो ये एक अच्छा समाचार मैं आज आपको दे रहा हूं। उसके साथ साथ दूसरा जो है कि वहां उद्योगों से जो पानी में जाता है 30 BOD की मात्रा अलाउड होती है, अभी तो 0 BOD जा रहा है, इसलिए गंगा का पानी और ये सब दिख रहा है, लेकिन ये पानी जिस तरह से खराब दिखता था और अब एकदम इतना साफ हो गया, इसका मतलब कुछ कारखाने निश्चित रूप से चोरी छुपा कर अपना गंदा पानी नदी में बहाते हैं, उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और कड़ी कार्रवाई के साथ ही ये फिर से गंगा निर्मल और अच्छी रहे। एक मोदी जी ने 10 करोड़ टॉयलेट का काम पूरा किया, इसलिए देहातों से जो सारा जो गंदगी आती थी और वो सागर तक चली जाती थी पानी में, वो अब नहीं जा रही है, उसका इलाज हो गया है। वैसे ही शहरों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी बन रहे हैं, जो बंद पड़े थे वो भी शुरू हो रहे हैं, और इसके कारण गंदगी कम होगी। हम अभी वाराणसी गए थे, तब हमने देखा कि जहां से 15 करोड़ लीटर रोज गंदगी नदी में आ रही थी, अब 15 सेंटीमीटर भी नहीं आ रही है, यानी एकदम लीटर क्या, मिलीमीटर भी नहीं आ रहा है। तो ये इतना ये हुआ है, तो ये दिशा है, और इसी दिशा को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी प्रदूषण के बारे में बहुत हमेशा सावधान रहते हैं, बहुत उनका कहना लगातार होता है कि हमें काम करना है और हमारे लिए काम करना है, दुनिया के लिए नहीं। और पीएम का जो फैसला था, चूंकि आप बार बार पीएम का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व पर और उनके तरीके पर अब आना चाहती हूं, क्योंकि उसकी गहरी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की, कई विरोधियों ने की, ममता बनर्जी भी हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से विरोध कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का फैसला जल्दी लिया, इसको लेकर उनके नेतृत्व का जो तरीका है या फैसले लेने का तरीका है, उसको लेकर भी लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे आप? पहले तो उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से और सभी संबंधितों से बहुत सारी चर्चा की थी, सभी पार्टियों की भी बैठक हुई थी, सब कुछ हुआ था, नंबर वन। नंबर टू महत्वपूर्ण है कि लोग दुनिया भर में प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत ने सही समय पे लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन किया, इसलिए भारत की आज कम नुकसान हुआ है अन्य देशों की तुलना में, नहीं तो हमारा भी वैसा ही नुकसान होता। लेकिन आज अमेरिका में जब 75,000 से ज्यादा लोग मरे हैं और 5 लाख लगभग 10 लाख से ज्यादा इन्फेक्शन वही हुए हैं, तो ये स्थिति हमारी बन जाती, लेकिन नहीं बनी क्योंकि समय पे किया। लेकिन दुर्भाग्य है, जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है, यहां विपक्षी दल उसकी आलोचना करते हैं। बतौर INB मिनिस्टर दो सवाल और, एक तो ये कि आप ही ने बताया 1 लाख अखबार, 800 चैनल, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है मीडिया के लिए भी, इस पर आपकी क्या सोच है खासतौर पर? नहीं, ये सच्चाई है कि मीडिया के बारे में मीडिया को आज दिक्कत भरा सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चैनल्स को नहीं, चैनल को तो अभी ज्यादा देखा जा रहा है और इसलिए चैनल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उद्योग जगत मंद होने के कारण थोड़े एक आध महीना ये प्रॉब्लम रहेगा, मुझे लगता है चैनल के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये एक लोगों के दिल में जो बैठ गया है न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के बारे में कि भाई वो लेने से कोविड होता है,
ये तो हद हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है। लेकिन आरडब्ल्यूएस पढ़े लिखे लोग भी अपनी कॉलोनी में समाचार पत्र नहीं आने दे रहे और डालने वाले भी नहीं डालते हैं। अभी मैंने देखा जगह जगह शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगह राज्य सरकारों ने भी बंद रखा है, जैसे मुंबई पुणे में बंद रखा है। तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। डोर डिलीवरी चलेगी तो डोर डिलीवरी न्यूज़पेपर की क्यों नहीं चलेगी? तो ये हमें समझना चाहिए और इसी दिशा से आगे जाना चाहिए।